अगर आप इस सीरीज़ की पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट 2.5 मिनट तक का जो एक मैंने पर्टिकुलर तरीका बताया किस तरीके से इस सीरीज़ से आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अगले 2.5 मिनट को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज़ की ये कोई भी वीडियो पहले देख चुके हो तो आप नेक्स्ट 2.5 मिनट्स को स्किप कर सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका पता चल चुका है। तो नहीं पता है तो प्लीज़ अगले 2.5 मिनट्स तक ज़रूर देखें, आपको आइडिया लगेगा कैसे आप जल्दी जल्दी इस पूरी की पूरी वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जब हम अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ना तो उनमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगे, जैसे कोई लोकेशन का नाम आएगा, सिटी या कंट्री का, फेस्टिवल का नाम आएगा, किसी स्ट्रेट, सी, ओशन, बे, रिवर, लेक का भी नाम आएगा, रिजर्व, पार्क, सेंचुरी, स्पीशीज़ के नाम आएंगे, ट्राइब्स के, स्पीशीज़ होती है ना आइडेंटिफाई हो रही होती हैंगी, बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं जो न्यूज़ में रहती हैंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे एक्ट होते हैं हमारे नेशनल लेवल के, एंड कुछ रैंडम चीज़ें आ रही होती हैंगी। आपको क्या करना होगा, आपको एक A4 शीट को लेना है, ठीक है। A4 शीट के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड्स बनाइएगा, ये आपकी A4 शीट है लैंडस्केप मोड के अंदर, ठीक है। आप इसको जब इस बार तीन तरीके से दो बार फोल्ड करेंगे ना तो आपके पास एक साइड में चार कॉलम्स बन जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है। इन कॉलम्स के ऊपर आप ऊपर टाइटल दे दीजिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इस शीट को देखते हो तो आप इसकी शीट में एक साइड आपके 4 हैं, अदर साइड भी आपके पास 4 हैंगे, तो टोटल 8 सेक्शंस आप इस शीट के ऊपर नेमिंग कर सकते हो। अब जब हम लोग अपना जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, आपको न्यूज़ में सुनते सुनते ही जैसे ही आपको किसी लोकेशन का नाम लगे आप लोकेशन वाले कॉलन में ऐड कर दीजिए, किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है। सेम तरीके से कोई फेस्टिवल था जो न्यूज़ में था, कोई स्ट्रेट आया था, कोई ओशन का नाम, सी का नाम, किसी बे का, रिवर का या लेक का नाम आया था, उसी तरीके से कोई ट्राइब वगैरह एक्ट वगैरह हैं, एंड रैंडम में कोई भी ऐसी चीज़ जो इन ऊपर वाली किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हो। देखो एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 145 आ गया तो आर्टिकल 145 लिख दो, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपको रिवीजन के तौर पर। जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो 12 मंथ्स के लिए आपके पास ऐसी टोटल मैक्स टू मैक्स 3 या 4 शीट्स ही होंगी फुल। 12 महीने के अंदर आपको 3 या 4 का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मेरी एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको घूम फिर के मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो 3 या 4 शीट बनेंगी आपकी टोटल 12 मंथ्स की। अभी जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो शायद मैं अगस्त तक की तो कंप्लीट करवा ही दूंगा, सितंबर की आएगी नहीं तब तक एग्ज़ाम का, वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, 2022 के लिए भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये तरीका है आपको नोट्स बनाने का, एंड एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इसके अंदर। ऑलराइट, फर्स्ट वन इज़ 1 मई लेबर डे। जो लेबर डे है ये पूरे वर्ल्ड में 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को हम लोग इंटरनेशनल वर्कर्स डे और मे डे भी बोलते हैं। इंडिया में जो पहली बार लेबर डे सेलिब्रेशन किया गया था वो ऑर्गेनाइज हुआ था मद्रास में, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, बाय लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ऑन 1 मई 1923। तो 1 मई को ही हम लोग लेबर डे ऑब्ज़र्व क्यों करते हैं? इस दिन को चूज़ किया गया था क्योंकि उस अटलांटिक के दूसरी साइड में यानी कि जो अमेरिकन सॉइल है वहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। 1884 के अंदर जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड लेबर यूनियंस हैं उन्होंने डिमांड की थी कि 8 आवर का वर्क डे फिक्स होना चाहिए, जो कि 1886 के 1 मई से स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसके कारण शिकागो के हे मार्केट में बहुत सारे जनरल राइट्स हो गए थे 1886 के अंदर। इस डेट को चूज़ किया गया था इंटरनेशनल वर्कर्स डे जब सेकेंड इंटरनेशनल जो कि एक पैन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो इन्होंने कमेमोरेट किया था जो हे मार्केट के राइट्स हुए थे 1886 के अंदर। 3 साल बाद फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी ने एक इंटरनेशनल डे क्रिएट किया था इस लेबर मूवमेंट को ऑनर करने के लिए, और यहाँ से जो हे मार्केट का जो मैसेकर हुआ था उसी को चीज़ को कमेमोरेशन में इन्होंने 1 मई को डिक्लेयर कर दिया था इंटरनेशनल लेबर डे। बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज़ इनोवेशन और रिसर्च पोर्टल यूनिवर्सिटी ऑफ MSME ने लॉन्च किया एक पोर्टल है यानी कि एक वेबसाइट है जहां पर
यूनियन स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स के सभी स्कीम्स का एक्सेस मिलेगा एमएसएमई वालों को। वो लोग अपने आइडिया, इनोवेशन और रिसर्च भी सेक्टर के वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वो लोग क्राउड सोर्सिंग भी कर सकते हैं आइडियाज़ की, प्लस में क्राउड सोर्सिंग के अंदर उनकी इवेल्यूएशन भी होगी, फैसिलिटेट करेंगे कि वेंचर कैपिटल का इनफ्लो, फॉरेन कोलैबोरेशन वगैरह कैसे होना। तो सब चीज़ों के लिए एक सिंगल पोर्टल बना दिया गया है। देखो एमएसएमई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी का फेवरेट है, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। जर्मनी ने जो ये हिजबुल्ला की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो हिजबुल्ला एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लेबनान से बिलोंग करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी जब ईरानियन एफर्ट हुए थे 1980s में, तो लेबनान के जो शिया ग्रुप्स थे उनको एग्रीगेट करने के लिए। फिलहाल जो ईरान और इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहाँ पर हिजबुल्ला जो है ये ईरान की तरफ से एज ए प्रॉक्सी एक्ट करता है। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इसराइल के साथ, लेकिन वो हिजबुल्ला को यूज़ करता है, उनको पैसे देता है कि हमारे बेसिस के ऊपर तुम वहाँ पर जाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। कश्मीरी सैफरन को GI टैग मिल गया था। ये जो सैफरन है यानी कि जो केसर होता है ये कश्मीर की वैली में कल्टिवेट किया जाता है, इसको GI टैग मिला है। केसर एक बहुत ही लॉन्ग, थिक और नेचुरल डीप होता है रेड कलर के अंदर। इसका एरोमा यानी कि इसकी जो सुगंध होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बिना किसी केमिकल को मिलाए इसमें इतनी अच्छी सुगंध होती है। जो सैफरन का कलर होता है बहुत ही यूनिक होता है क्योंकि उसमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में क्रॉसिन होता है। इसका एक रिच फ्लेवर होता है क्योंकि जो सैफरनल होते हैं और जो बिटरनेस होती है क्योंकि इसके अंदर पाइक्रोक्रॉसिन की प्रेजेंस होती है जिसके कारण इसका सैफरनल आता है। कश्मीर का जो सैफरन है ये ओनली सैफरन है वर्ल्ड के अंदर जो 1600 मीटर्स की हाइट के ऊपर ग्रो किया जाता है। सैफरन जो है कश्मीर में तीन टाइप्स में अवेलेबल होता है, लच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन और गुच्ची सैफरन। किसान सभा ऐप क्या है, CSIR CRRI जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है, इन्होंने एक ऐप को डेवलप किया है किसानों के लिए, जहाँ पर किसान जो हैं सप्लाई चेन के लिए और फ्रेट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, यानी कि कोई भी इनको अपना सामान वगैरह अगर सेल करना हो, परचेज़ करना हो, तो उनके लिए इनको गाड़ी वगैरह लेने के लिए, ट्रांसपोर्ट लेने के लिए एक ऐप का अरेंजमेंट कर दिया गया है, ताकि बहुत सारे ट्रकर्स वगैरह जो हैं ये फार्मर्स के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि मंडी तक जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पेशली COVID-19 के पैंडेमिक को देख कर। हम लोग अप्रैल की न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो अप्रैल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठिकरी पहरा क्या होता है, ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, यानी कि एक ट्रेडिशन है जो मोर देन 2 decades के बाद दोबारा से स्टार्ट किया गया है। कम्युनिटीज़ जो होती है ना, जो अपने आप अपने गांव वगैरह की खुद ही, यानी कि जब टेररिस्ट मूवमेंट वगैरह हुआ था ना, एक समय था कि बहुत ही इनफेमस जो काला कच्छा गैंग थी उन्होंने लोकल्स को बहुत परेशान किया था, तो कम्युनिटी वाले लोगों ने क्या किया था कि अपने आप पहरेदारी करेंगे खुद ही अपने गांव के, पुलिस वुलिस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो लोग ग्रुप्स बना के कि हर एक हाउस को ना अलॉट रहता था कि भाई ठीक है आज आपके घर से एक आदमी, आपके घर से एक आदमी, तो 3-4 लोग गाँव के मिल के पूरी रात को पहरेदारी करते थे। जो मतलब रात को जो स्लोगन देते थे ना, जागते रहो जागते रहो, तो ये एक अपने आप में ठिकरी पहरा बोलते हैं इसको। तो पंजाब हरियाणा में ये बहुत लार्ज स्केल के ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है। तो अभी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ दोबारा से स्टार्ट की गई है। थिरुसुरपूरम, ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है, ये एक ट्रेडिशन है 200 साल पुराना, ये स्पेक्टिकुलर इवेंट है, स्टार्ट किया गया था सक्तम थम्पुरम के द्वारा जो कोची के अस्टवाइल रूलर थे, यानी कि उस समय का जो कोची था ना उस समय के रूरल से। Held on the Moolam asterism in the Malayalam month of Medam. अब मलयालम के अपने अपने मंथ होते हैं सोलर के हिसाब से, तो जो मेदम मंथ होता है अप्रैल में होता है, उस समय पर इसको मनाया जाता है। फेस्टिवल में कुछ रिलेटेड इवेंट्स होते हैं एट द वाडा कुमंथम टेम्पल जो कि थिरुसुर टाउन के अंदर है। पूरे फेस्टिवल जो होता है मेनली 2 ग्रुप्स के रिप्रेजेंट करता है जो कि जोग्राफिक डिविजन्स होती हैं, परम के काऊ और थिरुवंबड़ी, ठीक है। ये कम्पीट करते हैं अपने रेस्पेक्टिव प्रेजेंटेशंस के अंदर। ये इनके बहुत ही अच्छे कैप्रेजेंट एलिफेंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा होता है जिसको पंचवाद्यम भी बोलते हैं, ब्राइटली कलर्ड और सीक्वेंस पैराजल्स होते हैं जिसको कुड्डा मट्टम बोलते हैं। अब ये टर्म थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस लैंग्वेज को नहीं समझते होंगे, जो इस लैंग्वेज को समझते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी, पर सिंस ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल्स आते हैं एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर। तो जब से इसकी स्टार्ट हुई है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं उनको सिर्फ बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि COVID-19 का स्प्रेड जो है वो बढ़ता जा रहा था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020, जिसको हम लोग पॉपुलरली वर्ल्ड प्रेस डे के भी मानते हैं,
ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रमोट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एनुअली हर साल 3 मई को। इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों के अंदर प्रेस की फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। रिसेंटली जो न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आप लोग इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कर रहे हो तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने इसी से कनेक्टेड एक प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया था। उसमें इंडिया जो है वो 140 से पहले इंडिया की रैंकिंग अच्छी थी, अब वो फिर से नीचे गिर के 142 आ गई है। ठीक है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जो थीम थी 2020 की वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, और जो सब थीम्स थी इस साल की वो तीन थी, सेफ्टी फॉर वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री, जेंडर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मीडिया। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए इन डेज़ के बारे में, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और की थीम क्या होती है। इससे ज़्यादा कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जो कि 1993 से हर साल एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जर्नलिस्ट को, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स को, नेशनल अथॉरिटीज़ वगैरह को, कि जो डिस्कस करते हैं जो भी आने वाले चैलेंजेस हो सकते हैं, इमर्जिंग चैलेंजेस हैं प्रेस की फ्रीडम को लेकर। 2020 के लिए नेदरलैंड इसका होस्ट रहा है, लेकिन जो ये ग्लोबल पेंडेमिक हो गया कोविड-19 का, इसके कारण इसके वेन्यू को, सेम वेन्यू के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया गया है 18 से 20 अक्टूबर तक। अब देखते हैं उस टाइम पर ही कॉन्फ्रेंस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक जॉइंट सेलिब्रेशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का और इंटरनेशनल डे का, टू एंड द इम्प्यूनिटी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, अतुल्य एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, अब इसका यूज़ नहीं है, ये पुरानी बात हो चुकी है। मतलब जिस चीज़ में बाद में नए अपडेट आ चुके होते हैं ना, उनका कोई पॉइंट नहीं होता है। इको सेंस क्या है? एक बायोसेंसर है जो नोवल कोरोना वायरस को सलाइवा के सैंपल्स में डिटेक्ट कर सकता है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने हैदराबाद ने डेवलप किया था। इस डिवाइस के कारण 30 सेकंड्स में आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं और आपको 20 माइक्रोलीटर सैंपल को यूज़ करना पड़ता है। इस डिवाइस के अंदर एक कार्बन इलेक्ट्रोड होता है और कोरोना वायरस की एंटीबॉडी होती है। जो एंटीबॉडी होती है वो अपने आप को उस प्रोटीन के साथ अटैच कर लेती है, फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है एंटीजन का, और जब एंटीबॉडी बाइंड करते हैं तो उसके कारण पता चल जाता है कि इस बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। स्पेशल कोरोना फी कोई पॉइंट नहीं पड़ने का, अल्कोहल के ऊपर लगाई गई थी, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सरस कलेक्शन क्या है? एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा और DAY NRLM जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। यहाँ पर जो डेली यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, इनको शोकेस किया जाता है। इनका एम होता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं रूरल एरियाज़ में, इनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बायर्स का मार्केट मिल सके। फिलहाल इस इनिशिएटिव के अंदर इनको अपने प्रोडक्ट्स को 5 कैटेगरीज में डिस्प्ले करने की परमिशन है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, हैंडलूम टेक्सटाइल होंगे, ऑफिस एक्सेसरीज, ग्रोसरी पेंट्री, पर्सनल केयर और हाइजीन। सरस कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह जो हैं ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मैंशन है। विष्णु सेंद्र पर्व, ये एक एनुअल हंटिंग फेस्टिवल होता है जो कि झारखंड के ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, प्लस में जो नेबरिंग स्टेट्स हैं ओडिशा और वेस्ट बंगाल वहाँ पर भी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिविंग मेमोरी कोई भी सिंगल एनिमल को किल नहीं किया गया था, क्योंकि पूरे स्टेट के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन था। देखो ट्राइबल्स का एक फेस्टिवल है जहाँ पर हंट किया जाता है। ठीक है, आर्कटिका एम सेटेलाइट, रशिया लॉन्च करेगा पहली आर्कटिका एम सेटेलाइट आर्कटिक के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए इस साल के एंड के अंदर। रशिया की जो आर्कटिका एम रिमोट सेंसिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं, ये मेट्रोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करेंगी अर्थ के पोलर रीजन्स के अंदर, जिसके अंदर वेदर फोरकास्ट के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी और साइंटिस्ट जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। सुरक्षित दादा दादा और नानी नानी अभियान, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था। देखो नीति आयोग का प्रोग्राम है और वेलफेयर के सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, तो इंडियन सोसाइटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीरामल फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। इनका फोकस होगा कि पेंडेमिक के दौरान जो सीनियर सिटीजन है उनका ध्यान रखना। इस कैंपेन का टारगेट है 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन तक 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली असम, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, इनके 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन तक पहुँचना। इनका फोकस होगा कि इस तरीके का बिहेवियर चेंजर देखने को मिल रहा है, लोगों को सर्विसेज का एक्सेस मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कोविड-19 के सिम्टम्स को पहले अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्ट करना। गरुड़ पोर्टल क्या है? DGCA जो
डायरेक्टर जनरल हैं सिविल एविएशन के, इन्होंने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया था टू फास्ट ट्रैक द एग्जेम्पशंस ऑफ कोरोना वायरस रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस। गरुड़ का मतलब हो गया गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर द रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। एक पोर्टल है जहाँ पर स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को एग्जेम्पशन मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो भी कोरोना वायरस रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस होते हैं उनसे। ये हेल्प करता है जो भी चैलेंजेस आएंगे COVID-19 के उनको एड्रेस करने के लिए। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये होगा, DGCA ने लॉन्च किया है और गरुड़ पोर्टल, ये दो चीज़ें याद रखना। ऑपरेशन समुद्र सेतु, जैसे इंडियन एयर जो इंडिया की जो एयर इंडिया था उन्होंने चलाया था ना ऑपरेशन वंदे भारत, उसी तरह से ऑपरेशन समुद्र सेतु भी एक चलाया गया था। तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था एक सी ब्रिज के तौर पर, ठीक है ना, कि इंडियन सिटीजन जो ओवरसीज में हैं उन लोगों को किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो जो इंडियन नेवल शिप्स हैं जलाश्वा और मगर, ये प्रेजेंटली मालदीव्स के जो माले हैं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फेज़ वन के अंदर। टोटल 1000 पर्सन्स हैं जिनको इवैक्यूएट किया जाएगा अपने पहले ट्रिप के अंदर। पुलित्जर प्राइज 2020, तीन फोटो जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है 2020 का फोटोग्राफी के अंदर। इनके नाम है यासिन दर, मुख्तर खान और चन्नी आनंद। पुलित्जर प्राइज को 1917 में एस्टेब्लिश किया गया था और वो लोगों को अचीवमेंट्स में, मतलब ऐसे लोग जिनकी अचीवमेंट्स होती है मैगजीन, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन जर्नलिज्म, म्यूज़िक कंपोजिशन और लिटरेचर वगैरह में। अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, इसका जो प्रोविजन था उनकी विल थी, जोसेफ पुलित्जर वो नाम था उनका, तो उनका अपना एक फॉर्च्यून था, उनका अपना एक करियर बना था बहुत ही अच्छा एज ए न्यूज़पेपर पब्लिशर, तो उनको ऑनर करने के लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। इसको एडमिनिस्टर करता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये 21 कैटेगरीज़ में दिया जाता है, हर साल जो विनर होता है उसको कैश प्राइज़ मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक गोल्ड मेडल भी अवार्ड किया जाता है पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंदर। वेसाख क्या होता है? वेसाख होता है द डे ऑफ द फुल मून इन द मंथ ऑफ मे, मई महीने के अंदर जो पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, उसको बोलते हैं वेसाख। तो अच्छा, न्यू मून जो होता है ना उस दिन नो मून होता है, यानी कि नो मून का मतलब होगा कि अभी बिल्कुल ब्लैक नाइट होती है ना, अमावस्या होती है, उसको नो मून बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट डे से नए मून की स्टार्टिंग होती है। तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 7 मई 2020 को इस बार, और इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा या फिर बुद्धा डे भी बोलते हैं। इस दिन, ये दिन बताता है कि कॉमेमोरेशन ऑफ बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो बुद्धिज्म के फाउंडर थे, ये सारे के सारे सेम डे पर हुए थे। बुद्ध पूर्णिमा, उनका जन्म भी उसी दिन हुआ था और उनका एनलाइटनमेंट भी उसी दिन हुआ था, और उनका जो परिनिर्वाण यानी कि जब उन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ा था वो भी इसी दिन हुआ था। वैसाख मंथ के, अब वैसाख बोल सकते हो आप इसको मई को, उसकी पूर्णिमा को ये दिन होता है, तो इसको इसलिए इंडिया में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। जो जनरल असेंबली है अपने रिजोल्यूशन 1999 के अंदर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख। ये लोगों को अवेयर करने के लिए था कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं बुद्धिज्म के लेकर ह्यूमैनिटी को। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महाकवच ऐप का लॉन्च किया था। अब ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि COVID-19 के कारण आपके स्टेट ने क्या क्या एफर्ट स्टार्ट किए थे। एक रियल टाइम का डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पर सिटीजन्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और असिस्ट करते हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, जियो फेंसिंग में और क्वारंटीन लोगों को ट्रैक करने में। सेल्फी अटेंडेंस फीचर भी होता है इसके अंदर, वर्चुअल अटेंडेंस लेने के लिए, यानी कि आपको अपनी सेल्फी लेकर के इसमें पोस्ट करनी है तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ठीक है आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं और आप अभी ट्रैक किए जा रहे हो। रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है? तो ये अपने आप में एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है ना, जो बेसिकली जिसके बहुत सारे कनेक्शंस माने जा रहे हैं और विद हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद। तो बहुत सारे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज जो ऑपरेट कर रही हैं कश्मीर में, उनको ऐसा लगता है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ये इसलिए फॉर्म किया गया क्योंकि पाकिस्तान से प्रेशर था, पाकिस्तान के ऊपर FATF का प्रेशर था कि जो टेररिस्ट ग्रुप की फंडिंग है उनको बंद कर दिया जाए, और उन टेररिस्ट ग्रुप की फंडिंग जिनका FATF ने नाम लिया था, तो इसलिए पाकिस्तान ने एक नया ग्रुप स्टार्ट कर दिया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो रेजिस्टेंस फ्रंट ने कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर LOC के आसपास जो 5 आर्मी पर्सनल को मारा गया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी TRF ने ली है। वंदे भारत मिशन क्या है? ये बिगेस्ट एक्सकवेशन एक्सरसाइज है इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इंडिया ने वापस लाया जा चुका है आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मिशन को प्रायोरिटी दी गई है फॉर द कंपेलिंग रीजंस टू रिटर्न, जैसे कि मतलब
उन लोगों को प्रायोरिटी दी गई है जिनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनके रीजंस बहुत ही जस्टिफाइड है। जैसे किसी का करियर है वो पूरा का पूरा वहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया है, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर, रिसेंट टाइम में जिस किसी के फैमिली मेम्बर का कोई लॉस हो गया है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी गई वंदे भारत मिशन के अंदर वाया एयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, समुद्र सेतु, वंदे भारत, संजीवनी मिशन पेंडेमिक के दौरान जो थे। संजीवनी मिशन में हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की थी। एक प्राण वायु प्रोग्राम भी है जो बेंगलुरु की जो सिटी कॉरपोरेशन है उन्होंने लॉन्च किया है, प्राण वायु प्रोग्राम, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि उनको अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर खुद सेल्फ एग्जामिन कैसे करना है। एक अटेम्प्ट है उन लोगों के लिए जिनके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर लो ऑक्सीजन लेवल होते हैं, कि वो खुद को चेक करवाएं, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट फेटल हो जाए, फेटल मतलब जिसके कारण डेथ हो सकती है। तो COVID-19 के अंदर बहुत सारे डेथ्स देखने को मिली हैं बिकॉज ऑफ सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इसलिए उन्होंने कहा है कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का चेकअप करवाया जाए। 25th में आएगा WHO और UN के जो पोस्टल एजेंसी है उन्होंने मिलकर इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स यानी कि स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेट होने की 40th एनिवर्सरी के ऊपर एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया था। स्मॉल पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो वन ऑफ द टू वायरस वेरिएंट से होती है, वरियोला मेजर और वरियोला माइनर। एक कंटेजियस डिजीज़ है यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है। कि सिम्टम्स होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स के अंदर उसमें फीवर और वॉमिटिंग होती है, फिर कुछ टाइम के बाद माउथ और स्किन रैशेस के ऊपर सोर्स का फॉर्मेशन होता है, और कुछ दिनों के बाद जो स्किन रैश होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फील्ड बम्प्स के अंदर क्रिएट हो जाता है, और उस बम्प्स के अंदर फिर डेंट भी बढ़ जाता है। स्मॉल पॉक्स वन ऑफ द टू इन्फेक्शियस डिजीजेज है जो कि इरेडिकेट की जा चुकी है। एलोंगेटेड टॉर्टोइस क्या है? 90% जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस का वो करंट प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर होता है। एक स्पीशीज़ है टॉर्टोइस की जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। ये इलॉन्गेटेड होते हैं, समवट नैरो कार्पसेस विद येलो हेड्स, शेल्स जो होते हैं टिपिकली पेल होते हैं, टेनिश येलो से कैरेमल कलर के विद ब्लॉचेज ऑफ ब्लैक। देखो स्पीशीज़ वाले सेक्शन में इसके नोट्स कर लेना, इसके नाम के IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं ये। पॉपुलेशन है ये मे हैव फॉलन अबाउट 18% इन द लास्ट 3 जनरेशन यानी कि पिछले 90। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक जनरेशन को हम लोग 30 ईयर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। तो जब कह रहा है कि लास्ट 3 जनरेशन यानी कि पिछले 90 ईयर्स के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन है वो 80% तक डिक्लाइन हो ख़त्म हो चुकी है। थ्रेट क्या होता है? इसको फूड के लिए हंट किया जाता है, लोकल यूज़ में भी और डेकोरेटिव मार्केट्स में भी, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी होता है। चाइना के अंदर एक मिक्सचर होता है यानी कि जो टॉर्टोइस का शेल होता है ना, इसको यूज़ करके ग्राइंड करके एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसको एफ्रोडाइसियक की तरह से यूज़ किया जाता है। एफ्रोडाइसियक जो होता है ना वो सेक्सुअल एनर्जी को, सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती हैं, कंज्यूम की जाती है, उनको बोलते हैं एफ्रोडाइसियक। रिलेशन बिटवीन वाइटामिन डी एंड COVID-19। वाइटामिन डी इज़ नॉन टू मॉड्यूलेट द रिस्पॉन्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के साथ प्रिवेंट करता है कि जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स होते हैं, साइटोकिन्स मैंने आप लोगों को पिछले वाले न्यूज़ आर्टिकल में जो पिछले वाले जो वीडियो आई थी उसमें एक्सप्लेन किया था डिटेल के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनको रिलीज़ करने में मॉड्यूलेट करता है यानी कि उसको मेंटेन करके रखता है। जो SARS-CoV-2 का वायरस है इसके कारण बहुत सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स हो सकते हैं जिनको बोलते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। इसको पढ़ लेना, पिछली वाली वीडियो में पूरा CSS मैंने पढ़ाया है, ये साइटोकिन स्टॉर्म को CSS बोलते हैं। स्पिरुलिना ग्राउंड रूट चिक्की जो जिसको डेवलप किया जाता है मसूर के CFTRI विच इज़ सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं पैंडेमिक के दौरान। स्पिरुलिना एक बायोमास होता है साइनोबैक्टीरिया का, जो कि साइनोबैक्टीरिया मतलब एक ब्लू ग्रीन अलगे होता है जिसको कंज्यूम किया जाता है ह्यूमन और एनिमल्स के द्वारा। कोविड का कवच एलिसा, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने डेवलप किया है। इंडिया का पहला इंडिजिनसली एंटीबॉडी टेस्ट है एलिसा। अब ये आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का पहला टेस्ट कहाँ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, नोवेल कोरोना वायरस के लिए। डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र ध्रुव, इसको डेवलप किया है हैदराबाद के जो रिसर्च सेंटर एमरेट है, एक DRDO की लैब है वहाँ से डेवलप किया गया है। एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस UVC सैनिटाइजेशन कैबिनेट है यानी कि इसको यूज़ कर सकते हो आप मोबाइल फ़ोन को, iPad, लैपटॉप, करेंसी नोट्स वगैरह को सैनिटाइज़ करने के लिए, डिसइनफेक्ट करने के लिए, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। CSIR ने अप्रूव किया एक प्रोजेक्ट
एच एम एब्स जो कि न्यूट्रलाइज करेगा सार्स कोविज 2 के पोटेंशियल को, ये भी पुराना हो चुका है, इसके अंदर कुछ पढ़ने का नहीं है। स्वस्थ वायु क्या था, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने डेवलप किया था BIPAP वेंटिलेटर जिसका नाम है स्वस्थ वायु। अब ये वेंटिलेटर्स वगैरह के जो है इनका काम अब ख़त्म हो चुका है, इनका भी कोई यूज़ नहीं है, उस समय पे ये बहुत हाईलाइट में थे। FIR आपके द्वार, ये एक अच्छी चीज़ है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था जहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स होंगे वो विक्टिम्स के घर घर पर जाएंगे FIR को रिपोर्ट करने के लिए। ट्रेंड हेड कॉन्स्टेबल्स होंगे अपने फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल के अंदर, उनमें GPS फिट किया जाएगा, जो भी इमरजेंसी कॉल आएंगी उनके ऊपर नॉन सीरियस फॉर ऑन स्पॉट नॉन सीरियस ऑफेंस के लिए, सीरियस केसेस के लिए इनको पहले अपने सीनियर्स की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, तो यानी कि आपके घर जाकर के FIR दर्ज करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव देंगे, मतलब ऐसे इनिशिएटिव्स हैं कि जो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में दिखाई देंगे। अब ये जो नई नई चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं उस समय के लिए बहुत सही थी, पर अब इनके अंदर और फर्दर अपडेटमेंट हो चुका है तो अब आप उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है चैंपियंस पोर्टल, ये MSME की मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। एक कंट्रोल रूम का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन फॉर द मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। जो मॉडर्न ICT टूल्स होते हैं यानी कि इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह, इन सब की हेल्प से MSMEs को बड़े लीग्स के अंदर जैसे कि नेशनल और ग्लोबल चैंपियंस के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है। स्मॉल यूनिट्स को हेल्प करता है कि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, उनके ग्रीवेंसेज यानी कि शिकायतें कम हो जाएं, उनको एनकरेज करें, सपोर्ट करें, हेल्प करें, हैंड होल्डिंग में उनको लेके आगे बढ़ें। कुछ नए GI टैग्स दिए गए थे, सोहराई खुवार की पेंटिंग एक ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट होती है जो कि ट्राइबल वुमेन के द्वारा बनाई जाती है ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट और मैरिज का जो सीज़न होता है, तो उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के एरिया में जो पाए जाते हैं उन सबको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे स्टाइल और फीचर होते हैं प्रोफेशन ऑफ लाइन डॉट एनिमल वगैरह के। तेलिया रुमाल है, तेलिया रुमाल क्लोथ है तेलंगाना का, ठीक है, इसमें एक हैंडमेड आर्टवर्क होता है कॉटन लूम का जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन और मोटिव्स वगैरह डिस्प्ले किए जाते हैं रेड ब्लैक और वाइट कलर में। इनको GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। गांधी पीस प्राइज़ जो है 1995 में स्टार्ट किए गए थे गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पर। जो एनुअल अवार्ड है वो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है और इंस्टीट्यूशंस को, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में थ्रू नॉन वायलेंस और बाकी जो गांधीयन मेथड यानी गांधी जी के मेथड को यूज़ करके आपने सोसाइटी के वेलफेयर में कोई काम किया होगा तो आपको ये प्राइज़ मिल सकता है। 1 करोड़ का कैश प्राइज़ होता है, एक साइटेशन होता है, एक प्लेक मिलता है, प्लस में एक हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आइटम भी मिलता है। हर साल जो अवार्ड होता है वो एक ज्यूरी सेलेक्ट करती है जिसकी चेयरमैनशिप होती है प्राइम मिनिस्टर के अंदर। सभी पर्सनस के रिगार्डलेस कोई नेशनैलिटी क्या है, किसी भी कंट्री का है, किसी क्रीड, रेस, कोई सेक्स का, हर एक के लिए ओपन होता है। प्लस में इस अवार्ड को पॉस्थ्यूमसली यानी कि आफ्टर डेथ नहीं दिया जा सकता, तो अभी न्यूज़ में इसलिए था कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका जो नॉमिनेशन पीरियड था उसको एक्सटेंड कर दिया था क्योंकि COVID-19 के पेंडेमिक के बीच में आ गया था ये। काउंसलिंग हेल्पलाइन है भरोसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के द्वारा, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के उन लोगों को असिस्ट करने के लिए जिनको मेंटल डिस्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया था पेंडेमिक के लॉकडाउन के कारण, उनको हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई थी मेंटल और साइकोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। बोको हराम क्या है, एक वायलेंट इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है। देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स आते हैं, ये कई बार आते हैं एग्जाम के अंदर, मेंस में भी प्रीवी और क्लिंस में भी। प्रीवी सर के पेपर खोल के देखोगे इनके नाम आए हुए हैं, इसलिए आपको इनके सारे नाम वगैरह मालूम होने चाहिए। एक वायलेंट इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया से लेकर जो नेबरिंग वेस्ट अफ्रीकन नेशंस नाइजर, चैड, कैमरून एंड द लेक ऑफ चैड बेसिन, वहाँ पर ये बेस्ड है। 2000 के अंदर जो बोको हराम है ये अब ये मैंने वैसे आप लोगों को पिछले भी एक इनसाइट के ही एक ऐसे ही जो इसी सीरीज़ की वीडियो में आपको समझा दिया था, मैंने दोबारा कर रहे हैं। इन द 2000 बोको हराम इमर्ज इन नाइजीरिया, एक स्मॉल सुन्नी इस्लामिक सेट के तौर पर निकल के आया था जहाँ पर ये किसी तरीके से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं इस्लामिक लॉ का। ग्रुप का जो ऑफिशियल नाम है वो है जमा अल सुन्ना लिदवा वाहल जिहाद, यानी कॉमनली इनको बोको हराम बोला जाता है। ये जो निकनेम है इनको कंट्री के लोकल जो होसा स्पीकिंग पॉपुलेशन है उन्होंने दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन को डिनाई करते हैं और उनको ये कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इस्लाम के अंदर जो है वो फॉरबिडन है और फॉरबिडन इस्लाम में जो भी चीज़ फॉरबिडन होती है उसको हराम बोला जाता है, ठीक है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कनेक्टेड है। इसमें आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की जाती है, जो भी हमारे कल्चरल मोन्यूमेंट्स होता है उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करके रखना। 1861 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बने थे। कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनोनम इंडिकारम, एनुअल रिपोर्ट ऑन द इंडियन एपिग्राफी, एपिग्राफिया इंडिका और एंशियंट इंडिया। दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है? एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें फ्लड मॉडरेशन किया जाता है। इसका की ऑब्जेक्टिव फ्लड को मॉडरेट करना। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्ट में किया, जो इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। डैम जो है 278 मीटर हाई है और हाइएस्ट डैम होगा इंडिया में जब एक बार ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट है ये रिवर दिबांग की जो लोअर दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर लोकेटेड है। न्यूज़ में इसलिए था कि जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने फिर से अपने डिसीजन को डेफर कर दिया है कि जो स्पेशली जो दिबांग प्रोजेक्ट को लेकर है, प्रोजेक्ट को डिले किया जा रहा है पिछले 6 सालों से, क्योंकि इसके अंदर 1165 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है रीजन जहाँ पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया को डाइवर्ट कर देगा ये, इसलिए प्रोजेक्ट जो है इसको बार बार डिले किया जा रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 2020, ये 15 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। ऑब्जेक्टिव है जो भी इश्यूज़ होते हैं फैमिलीज़ के रिगार्डिंग और उनके रिगार्डिंग जो नॉलेज होती है सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक की, उन सब के अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना। इस साल इसकी 25th एनिवर्सरी थी जो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन हुआ था और जो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है उसकी। तो जो वर्ल्ड समिट है सोशल डेवलपमेंट की जो कोपेनहेगन में हुई थी 1995 के अंदर, गवर्नमेंट्स एक नए कंसेंसस, मतलब कि कंसेंसस मतलब होता है एक सहमति पर पहुंची थी कि देयर इज़ अ नीड टू पुट पीपल एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, और इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था कोपेनहेगन डिक्लेरेशन में। तो बीजिंग डिक्लेरेशन था एक रेजोल्यूशन था जिसको UN ने अडॉप्ट किया था एट द एंड ऑफ 1995, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन जो कि बीजिंग में हुआ था चाइना में। इस रेजोल्यूशन में हम लोगों ने अडॉप्ट किया था कि वी विल प्रोमलगेट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कंसर्न करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। क्विनीन नोंगलेजू क्या है? एक विलेज है मेघालय का, इसका नाम दिया गया है अल्कलॉइड क्विनीन के बाद, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है चिंकोना के बार्क जो होती है ना वहाँ से। एक प्लांट है जो कि रूबीसी फैमिली से बिलोंग करता है और उसको क्लासिफाई किया गया एक लार्ज श्रब और अ स्मॉल ट्री। इस प्लेस को इसलिए बोला जाता है क्विनीन बिकॉज ऑफ द प्लांटेशन के नाम पर इस प्लेस का नाम दिया गया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना प्रेस फ्रीडम को और जर्नलिज्म की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना। 1950 अक्टूबर में इसकी स्टार्ट हुई थी। इसमें 120+ कंट्रीज इसके मेंबर हैं। कंपोजिशन क्या है? एडिटर्स, मीडिया एग्जीक्यूटिव, IPI के लीडिंग जर्नलिस्ट और विच इज़ ओपन टू हेड्स ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट, ब्यूरो चीफ्स, यानी ये सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है इसको UN, यूनेस्को और काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर। प्लस IPI एक मेंबर है हमारे इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज का, जो कि अपने आप में एक ग्लोबल नेटवर्क है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेस फ्रीडम को मॉनिटर करता है। राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू एक ऑफरिंग ऑफ शेयर्स होती है, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी जिनको के शेयर होते हैंगे आप उनको पहले प्रायोरिटी देते हो, उसको राइट्स इशू बोलते हैं, क्योंकि उनका राइट होता है कि आपके जो नए शेयर्स होंगे उनके ऊपर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो राइट होता है। ठीक है, कंपनीज ऑफर करती हैं शेयर्स राइट्स इशू डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप मार्केट रेट के मुकाबले डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ऑफर करते हो। प्लस में लेकिन शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि उनको खरीदने, वो डिनाई भी कर सकते हैं। साइक्लोन अम्फान आया था, आप लोगों को मालूम होगा। IMD ने डिक्लेयर किया था साइक्लोन अलर्ट इंडिया की कोस्ट लाइन में अक्रॉस बे ऑफ बंगाल, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहा था साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में और उसके पास का जो एडजॉइनिंग एरिया था साउथ अंडमान सी का, इसको साइक्लोन अम्फान का नाम दिया गया था। घड़ियाल, गवियाल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल बहुत बार आया UPSC के प्रीलिम्स में, इतनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन ना जानो कितनी बार। 40 घड़ियाल्स रिलीज किए गए थे घाघरा रिवर के अंदर लॉकडाउन के टाइम पर, IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। जो मेल घड़ियाल है ये एक डिस्टिंक्टिव बॉस होता है एट द एंड ऑफ ए स्नाउट, यानी इसका जो नोज़ रीजन होता है ना इसके ऊपर थोड़ा सा एक ऐसे कर्व सा बना होता है नोज रीजन के ऊपर, ऐसा सा कुछ इसका माउथ होता है, आप लोगों को देखा होगा, ये घड़ियाल की डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। अर्थवेयर पोर्ट यानी कि एक मटके के जैसा शेप बना होता है।
हैबिटेट की बात करें, वो जो फॉरमोस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं विद सैंड बैग्स, वहाँ पर ही आपको मिलेगा, नेस्टिंग वहीं पर करता है। घड़ियाल्स एक बार इनहेबिटेट करता था मेजर रिवर सिस्टम्स के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के, इरावड़ी रिवर से लेकर ईस्ट में वेस्ट में इंडस रिवर्स तक। हालांकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अब सिर्फ 2% रह गई है पहले से। इंडिया के अंदर गिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर, रामगंगा रिवर, यहाँ पर ही मिलेगा। नेपाल में राप्ती नारायणी रिवर में मिलेगा। इसकी स्किन की हंटिंग की जाती है, उसकी ट्रॉफीज़ और इंडिजिनियस मेडिसिन बनाई जाती हैं, एग्स का कलेक्शन किया जाता है कंज्यूम करने के लिए। तो जो रिवरीन हैबिटेट है डैम्स बैरेजेस के कारण भी इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। कंजर्वेशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ये शेड्यूल वन में है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फ्लड डेवलपमेंट फंड प्लस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कारण एक प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल स्टार्ट किया गया था 1975 के अंदर, ताकि इनकी ब्रीडिंग को बहुत इंटेंसली कैरी किया जाए। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो नेशनल चंबल सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर ही ज़्यादा मिलेगा आपको। गोल प्रोग्राम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसमें जो ट्राइबल यूथ होता है उनको डिजिटल मोड में ट्रेन किया जाएगा। कुछ 500 यंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल आर्टिजन्स, आर्टिस्ट को ट्रेन किया जाएगा डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर। तो ये उनके लिए एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हो जाएगा। माइक्रो आरएनए क्या होता है? एक नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब कि ये प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होते हैं, ये पार्ट होते हैं हमारे लाइन ऑफ द अटैक अगेंस्ट कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें जो लाइन ऑफ अटैक होती है उसी का हिस्सा होते हैं। ये वायरस से फाइट करते हैं, ठीक है ना, अपने आप को लैच कर लेते हैं वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ और उसको कट कर देंगे। न्यूज़ में इसलिए एज और अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस मेक पीपल मोर वल्नरेबल, दिस इज़ बिकॉज द अटैकिंग माइक्रो आरएनए नंबर्स ड्विंडल इन देम, यानी कि जितनी ज़्यादा एज रहती है उसमें माइक्रो आरएनए की कमी हो जाती है, इसलिए उन लोगों को कोरोना वायरस से फाइट करने में प्रॉब्लम होती है कि उनका इम्यूनिटी वीक हो जाता है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना जो स्कीम है, इसमें लोन दिया जाएगा 1 लाख तक का 3 साल के पीरियड के लिए स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को। स्कीम का एम है डोमेस्टिक हेल्प वेजिटेबल वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह को कवर करना जिनकी इनकम का नुकसान हो गया है कोविड-19 के लॉकडाउन में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेंट्स हैं जो स्कीम के, उनको गारंटर्स चाहिए होंगे, ठीक है ना, ताकि उनका जो क्रेडिट सोसाइटी से क्रिएट किया जा सके। और टोटल इसके अंदर जितना भी अमाउंट यूज़ किया जाएगा 5,000 करोड़ के आसपास का। कोलेटरल फ्री लोन होगा, यानी कि आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस में उनको ये भी अवेयर होना पड़ेगा कि अगर वो डिफ़ॉल्ट में चल जाते हैं तो क्या कुछ पेनल्टीज़ हो सकती हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने मार्क किया था इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, एक एनुअल इनिशिएटिव है जो कि ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि लाइट की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनका क्या क्रिटिकल रोल होता है हमारे डेली लाइफ के अंदर। 16 मई को सेलेक्ट किया गया था इस ओकेजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहली बार एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेज़र का 1960 में, एक फिजिसिस्ट थे और इंजीनियर थे थियोडोर मेमन का द्वारा। आइडियल इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को एडमिनिस्टर किया जाता है IBSP, यूनेस्को का है IBSP इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम, और इसके जो सेक्रेटेरिएट हैं वो लोकेटेड हैं एब्डस सलाम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एट ट्रिएस्टे, इटली के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है माइग्रेंट वर्कर्स की, जहां पर अक्रॉस द स्टेट्स इनकी सीमलेस मूवमेंट के लिए क्रिएट किया गया है। इसको NDMA ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका एडिशनल एडवांटेज होता है यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, और ये बहुत ही यूजफुल रहेगा कोविड-19 के रिस्पॉन्स वर्क के लिए। ट्रोग्लोमाइसिस ट्वेरेटी करके एक नई स्पीशीज है जिसको डिस्कवर किया गया था ट्विटर की इमेज को यूज़ करके, इसलिए इसका नाम ट्रोग्लोमाइकस ट्वेटरी रख दिया गया। तो ट्वेटरी के नाम पे आपको ध्यान होना चाहिए। एक पैरासिटिक फंगस होता है, ठीक है ना, जिस ऑर्डर से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं लबूल बिनियालिस, ठीक है, एक टाइनी फंगल पैरासाइट होता है जो इंसेक्ट्स को और मिलीपेडिस को अटैक करता है। अभी नई स्पीशीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी आती रहती हैं, हर महीने में तकरीबन 1 या 2 आ जाती हैं, कोई प्लांट की, कोई एनिमल की, कोई किसी इंसेक्ट की। तो टोटल आपके पास 1 साल के डेटा में कुछ 15-20 हो जाएंगी, आपको ये याद होनी चाहिए। चरण पादुका मध्य प्रदेश की
तरफ से एक कैंपेन चलाया गया था उन माइग्रेंट लेबर्स के लिए जो स्ट्रेट से क्रॉस कर रहे थे। इस कैंपेन के अंदर जो लोग बेयर फुट थे, जो नंगे पैर थे, उन लोगों को चरण पादुका यानी कि चप्पलें वगैरह स्लीपर्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही थी ताकि उनका पेन को रिड्यूस किया जा सके। जो मोस्ट नोटेबल थिंग की इस कैंपेन के बारे में वो ये थी कि इसको पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था इस कैंपेन को। हैंग को क्या है, एक पर्सनल स्टैम्प है जो कि जनरली वुड या फिर प्लास्टिक से बनी हुई होती है, स्मॉल साइज़ की होती है, सर्कुलर होती है, स्क्वायर शेप्ड होती हैगी, और इसको एक जो इंक पैड होता है उसको बोलते हैं शूनिकू, ठीक है। और जो मार्क ये छोड़ता है डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको बोलते हैं इंकन। अभी नाम थोड़े से पुराने हैं लेकिन आपको याद होने चाहिए। इसको यूज़ किया जाता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज़ करने के लिए, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन होते हैं, डिलीवरी स्लिप्स होते हैं। न्यूज़ में इसलिए था COVID-19 के पेंडेमिक के दौरान, ये एक सेंचुरी की काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है जिसको हम लोग फोल्ड यूज़ कर रहे हैं वर्क प्लेसेस के अंदर। तो उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सकती है उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, प्लस में ऑफिस वगैरह नहीं है लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़। अब ये मटेरियल तो ऑफिस में रखा होता है ना, तो छोटे मोटे कॉन्टैक्ट्स वगैरह के लिए लोगों को अपने ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन लीज़ा, लीज़ा को डेवलप किया गया है एज अ लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी है रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के लिए, वेंटिलेशन के लिए। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है ना, जिसके कारण डैमेज होता है हमारे प्रेटर्म लंग्स को, न्यू बॉर्न्स के छोटे बच्चों के लंग्स को जो नुकसान होता है ना, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी को डेवलप किया गया है। इन्फेंट्स जो कि सूटेबल होते हैं लीज़ा के लिए आर दोज बीइंग मैनेज्ड बाय द प्राइमरी कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और हाई फ्लो विद द एविडेंस ऑफ इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद द राइजिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। जो रेगुलर एप्लीकेशन है लीज़ा की, ये बहुत यूज़फुल रहेगी और हेल्प करेगी प्री मेच्योर बेबीज़ को लंग के जो लंग्स में जो डैमेज हो जाता है ना उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। पिनंग अंडमानेसिस, ये IUCN का क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ये वन ऑफ द लीस्ट नॉन अमंग द एंडेमिक पाम ट्री होता है अंडमान के आइलैंड्स के ऊपर। इसका नाम डिराइव किया गया है जो मॉडर्न डे का जो मलेशियन स्टेट है ना पिनांग से, वहाँ से। इसकी पूरी एंटायर पॉपुलेशन के अंदर कुछ 600 के आसपास स्पेसिमेंस है जो नेचुरली एक टाइनी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको साउथ अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क के अंदर। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस स्पीशीज़ को रिसेंटली तिरुवनंतपुरम का जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इनको ग्रो किया जा रहा है, तो ये न्यूज़ में था। ये स्पीशीज़ हैं, आपको मालूम होने चाहिए। गवर्नमेंट विज रिवाइज द क्राइटेरिया फॉर द मीडियम यूनिट्स डेज आफ्टर चेंजिंग द, क्योंकि MSME के अंदर जो डेफिनेशन थी सर्विसेज की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो चेंज हो गई थी। पहले कुछ हुआ करती थी, फिर उसको बाद में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के ऊपर बेस के ऊपर बना दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो क्राइटेरिया है मीडियम यूनिट्स का उसको दोबारा से चेंज करेंगे, इसके ऊपर बात की जाएगी। जो रिवाइज डेफिनेशन है उसके द्वारा कोई भी फर्म जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होता है, टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है, उसको माइक्रो में लिस्ट किया जाएगा। कोई भी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का होता है, टर्नओवर 50 करोड़ का होता है, उनको क्लासिफाई किया जाएगा स्मॉल। ये न्यूज़ मैंने डिटेल में पूरी आप लोगों को डेली न्यूज़ में पढ़ा रखी हैगी। जब मैं मंथली मैगजीन दोबारा से करवाऊंगा सीरीज़ तब भी मैं दोबारा बता दूंगा। नेशनल टेस्ट अभ्यास क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड मोबाइल ऐप है जिसको डेवलप किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, ताकि जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं वो यहाँ पर मॉक टेस्ट ले सकते हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये इसको HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल टी डे, पहला इंटरनेशनल टी डे जो सेलिब्रेट किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसकी डेट थी 21 मई। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस इसको लीड करेंगे। इसका एम है लोगों के अंदर जो कल्चर और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है हमारे टी की, चाय की, उसको प्रमोट करना, उसकी रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करना। अगापे चित्र मैग्ना, एक मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है जो कि RNA बेस्ड एक्सट्रैक्शन किट के ऊपर बेस्ड होता है, जो COVID-19 की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा जो भी डिटेक्शन वाले जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना, ये मैं यहाँ पर स्किप इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि ये सारे के सारे ना विजन की मंथली कंपाइलेशन में बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। आप मई मंथ की विजन की मंथली कंपाइलेशन देखो, प्लेलिस्ट में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ सबके सब डिटेल में बताए हुए हैं। वट इज़ चाइनाज May 4th मूवमेंट, एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन है और सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट है जो चाइना में हुआ था 4 मई 1919 में। इस मूवमेंट के अंदर जो डेलीगेट्स थे, ठीक है ना, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था पेरिस पीक कॉन्फ्रेंस के अंदर टू रिटर्न द फॉर्मर जर्मन कॉलोनीज इन चाइना।
तो टू चाइनीज सॉवरनिटी एट द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। तो स्टूडेंट्स से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वेस्टर्न इंपेरियलिज्म को लेकर कि और अपनी गवर्नमेंट की वीकनेस को दिखाते हुए। इसमें हुआ क्या था ना, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना कि जो फॉर्मर जनरल जर्मन कॉलोनीज थी चाइना के अंदर उनको रिटर्न कर दिया जाए चाइनीज सॉवरनिटी को वर्ल्ड वॉर वन के कंक्लूजन के बाद। तो चाइना के जो स्टूडेंट्स थे उनमें एक अप्रोर देखने को मिला था, उन्होंने कहा कि चाइना गवर्नमेंट इतनी वीक क्यों हो रही है, उसको चाइना मे फोर्थ मूवमेंट का नाम दे दिया गया था। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट फास्टर ट्रेवल करता है एयर, मतलब एयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर ट्रेवल करता है तो उसमें कुछ शॉक वेव्स क्रिएट होते हैं, इसके कारण इमरजेंसी का बहुत ही ह्यूज एमिशन होता है एनर्जी का और एक साउंड क्रिएट होती है जिस जो कि बहुत ही सिमिलर होती है एक थंडर क्लैप के तरीके से। इफ़ेक्ट क्या होता है, जो सोनिक बूम होता है कंटिन्यूस साउंड होती है जो कि एयरक्राफ्ट के द्वारा एमिट की जाती है जब वो सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है। अगर जो एयरक्राफ्ट है वो लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर होता है तो सोनिक बूम के कारण कुछ ट्रेमर्स यानी कि कुछ मूवमेंट भी फील होती है, शेकिंग भी फील हो सकती है आपको अर्थक्वेक के तरीके से। टेक्सटाइल कमेटी क्या होती है कि एक स्टैचूटरी बॉडी है जो कि 1963 में सेटअप की गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है कि इसको फॉर्म इसलिए किया गया था ताकि जो क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल्स होती है और जो टेक्सटाइल की मशीनरी है इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट के पर्पज़ के लिए भी, उन सबको उनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाए कि वो सही से सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही है या नहीं। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करनी होती है इनको टेक्सटाइल को टेस्ट करने के लिए, प्लस में टेक्सटाइल की मशीनरी को भी सेटअप करना होता है ताकि उनका इंस्पेक्शन भी टाइम से किया जा सके और उनका एग्जामिनेशन भी टाइम से होता रहे। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, 22 मई को मनाया जाता है हर साल ताकि बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज़ को लेकर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। 2020 की जो थीम थी वो थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। बैकग्राउंड की बात करें तो ये रेजोल्यूशन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये अडॉप्ट हुआ था 1992 के अंदर, इनिशियली सेलिब्रेट किया रखता 29 को 2000 तक, 1993 से लेकर ईयर 2000 तक इसको 29 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता था क्योंकि 29 दिसंबर को सेलिब्रेट करते थे एज अ डे ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बाद में इसको 22 मई को शिफ्ट कर दिया गया था जब हम लोगों ने रियो अर्थ समिट के कमेमोरेशन के लिए। मणिपुर खुदोल, ये यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल एनवॉय हैं उन्होंने लिस्ट किया है, मणिपुर खुदोल एक गिफ्ट होता है अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो COVID-19 के पेंडेमिक को फाइट करने में यूज़ किया जा सकता है। खुदोल होता क्या है, एक क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है यानी कि क्राउड फंडिंग की जाती है कि बाय या ऑल एक इम्फाल की एनजीओ है जिन्होंने क्रिएट किया है इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम। इस इनिशिएटिव के अंदर वो लोग फूड हेल्थ और हाइजीन प्रोवाइड करते हैं LGBTQI कम्युनिटी को, प्लस में वो लोग जो HIV से इन्फेक्टेड हैं जो डेली वेज अर्नर्स हैं चिल्ड्रन हैं एडोलसेंट्स हैं उन सबको। वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई को और लोगों को टर्टल के रिगार्डिंग टॉर्टोइस के रिगार्डिंग उनके हैबिटेट्स के रिगार्डिंग अवेयर करने के लिए। 2000 से लेकर जो अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1990 में बनी थी वो स्पॉन्सर करती है वर्ल्ड टर्टल डे का सेलिब्रेशन। इस साल जो 20th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड टर्टल डे की जो थीम थी वो थी उसका फोकस था कि लोगों के अटेंशन लेके आना और लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करना कि टॉर्टोइस और टर्टल्स के ऊपर। इन एडिशन जो इसमें इंक्लूड करते हैं लोगों को मोटिवेट करना ताकि एक वर्चुअली एक स्टेप फॉरवर्ड करें और इनके सर्वाइवल के लिए इनकी हेल्प करें। फॉर ऑल ऑफ दोज हु वॉन्ट्स टू नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाकर लिखना UPSC मंथली कंपाइलेशंस, आपको ये चैनल मिलेगा, ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है UPSC मंथली कंपाइलेशंस एक्सप्लेन्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।